ठीक है कि जैसे कि आप नंबर टू देख रहे थे, नंबर थ्री सॉरी टू, कि हमने सेके से पहले सेके का हमको वैल्यू दिया था और ये निकालना था हमको, टेन ए बाय कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय टेन ए, और हम साइन ए टेन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल चुके थे। अब ये सारे वैल्यू को पुट करने का बारी है, इसमें पुट करते हैं। हमको पुट करना है क्या, टेन ए बाय कॉस ए, टेन ए बाय कॉस ए प्लस वन प्लस साइन ए बाय टेन ए। नाउ टेन ए, टेन ए का वैल्यू हमको पता है वन बाय रूट थ्री बाय कॉस ए, कॉस ए का वैल्यू हमको पता है रूट थ्री बाय टू, प्लस वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए, और साइन ए का वैल्यू हमको मिल चुका था वन बाय टू बाय टेन ए, टेन ए का वैल्यू मिला था हमको वन बाय रूट थ्री। तो ये टर्म तो ऐसे रहेगा वन बाय रूट थ्री बाय रूट थ्री बाय टू, प्लस इसका अगर एल्सियम एल्सियम ले जाएँ वन प्लस वन बाय टू, एल्सियम हो गया आपका टू, तो इधर मिल गया टू प्लस वन बाय वन बाय रूट थ्री। आपको पता है फ्रैक्शन में फ्रैक्शन अगर है तो निचला फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाता है, अतः ये बन जाएगा वन बाय रूट थ्री इंटू टू बाय रूट थ्री, प्लस टू प्लस वन हो गया थ्री बाय टू इंटू रूट थ्री बाय वन, टू इंटू वन टू बाय रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, प्लस थ्री इंटू रूट थ्री बाय टू वन जा टू। अब टू थ्री कैल्सियम हो गया सिक्स, नाउ थ्री टू जा टू टू जा फोर, प्लस टू थ्री जा थ्री थ्री जा नाइन रूट थ्री। सो आंसर आपको मिला फोर प्लस नाइन रूट थ्री बाय सिक्स। पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि टेन सिक्सटी होल स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फोर कॉसेक स्क्वायर सिक्सटी प्लस टू कॉस स्क्वायर नाइन्टी बाय टू कॉसेक थर्टी प्लस थ्री सेक सिक्सटी माइनस सेवन बाय थ्री कॉस स्क्वायर थर्टी। ये क्वेश्चन 2015 सीबीएसई एग्जाम्स में आया था, देखिए ध्यान से। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खाली वैल्यू पुट करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स में से क्वेश्चन। तो टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी का वैल्यू आप जानते हैं रूट थ्री का स्क्वायर प्लस फोर कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव, कॉस स्क्वायर फोर्टी फाइव कैन बी रिटन एज कॉस फोर्टी फाइव होल स्क्वायर, और कॉस फोर्टी फाइव का वैल्यू होता है वन बाय रूट टू का स्क्वायर प्लस फोर कॉस स्क्वायर सिक्सटी। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर सिक्सटी है, कॉसेक स्क्वायर सिक्सटी का वैल्यू अगर आपको याद नहीं तो कॉसेक जो है रेसिप्रोकल है साइन का, कॉस कॉसेक सिक्सटी आपको बोला है, कॉसेक सिक्सटी की जगह पे आप वन बाय साइन सिक्सटी लिख सकते हैं, और साइन सिक्सटी का वैल्यू होता है रूट थ्री बाय टू, मीन्स वन बाय रूट थ्री बाय टू, और ये बन गया आपका टू बाय रूट थ्री। सो कॉसेक सिक्सटी का आपको वैल्यू मिल जा रहा है टू बाय रूट थ्री, आप तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप टू बाय रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू कॉस स्क्वायर नाइन्टी, और नाइन्टी का वैल्यू है जीरो, कॉस नाइन्टी का वैल्यू जीरो, तो जीरो का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू अगेन कॉस थर्टी। सिमिलरली कॉस थर्टी कैन बी रिटन एज वन बाय साइन थर्टी, और साइन थर्टी का वैल्यू वन बाय टू है, तो वन बाय टू मीन्स टू, तो टू इंटू टू प्लस थ्री इंटू सेक सिक्सटी। नाउ सेक कैन बी रिटन एज कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी का वैल्यू है आपका वन बाय टू, तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल बन गया टू माइनस सेवन बाय थ्री कॉस स्क्वायर थर्टी। ना कॉट स्क्वायर थर्टी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थर्टी, टेन थर्टी का वैल्यू होता है वन बाय रूट थ्री, तो कॉट थर्टी का वैल्यू होगा रूट थ्री, डेट मीन्स रूट थ्री होल स्क्वायर। तो ये बन गया, देखिए रूट थ्री का स्क्वायर बन गया आपको थ्री प्लस फोर इंटू वन बाय रूट टू का स्क्वायर हो गया वन बाय टू प्लस फोर इंटू टू का स्क्वायर हो गया फोर, रूट थ्री का हो गया स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो इज जीरो बाय टू इंटू टू फोर, टू थ्री जा सिक्स माइनस सेवन बाय थ्री इंटू रूट थ्री स्क्वायर इज थ्री। ओके, तो ये मिल गया थ्री प्लस टू वन जा टू टू जा थ्री प्लस टू प्लस सिक्सटीन बाय थ्री, मैं जीरो को नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जीरो इज एडेड टू समथिंग इज दैट थिंग बाय फोर प्लस थ्री सॉरी फोर प्लस सिक्स टेन माइनस थ्री थ्री कैंसिल आउट सेवन। तो अभी आपका बन गया थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस सिक्सटीन बाय थ्री डिवाइडेड बाय टेन माइनस थ्री, टेन माइनस सेवन इज थ्री। ना अगर हम इसका एलसीएम ले जाएँ, एलसीएम उसको थ्री मिल गया, ये बन गया फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन बाय थ्री, दिस इम्प्लाइज दिस कैन बी रिटन एज फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन थर्टी वन बाय थ्री इंटू वन बाय थ्री और थर्टी वन बाय नाइन। ठीक है, सो पॉज द वीडियो, नोटेड ऑन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्स स्क्वायर थर्टी सेवन डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर फिफ्टी थ्री डिग्री इंटू टेन ट्वेंटी वन डिग्री इंटू टेन सिक्सटी नाइन डिग्री माइनस साइन फिफ्टी वन कॉस थर्टी नाइन माइनस कॉस फिफ्टी वन साइन थर्टी नाइन। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। सेक्स स्क्वायर थर्टी सेवन और कॉट स्क्वायर फिफ्टी थ्री, आपको पता है कि कॉट को आप चेंज कर सकते हैं टेन,
और sec और tan का रिलेशन है, sec square theta minus tan square theta equals to 1. अगेन tan tan, तो इस दो tan में से मैं आपको बताया था पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं. दो एंगल को अगर आप प्लस करें और 90 डिग्री बन जाए तो पेयर है. देखिए 21 प्लस 69 करेंगे आपको 90 मिल रहा है, तो एक पेयर है और पेयर में से आप हमेशा एक को चेंज करते हैं और ये दोनों भी पेयर में आ रहे हैं. तो बड़ा आसान सा नंबर है, देखिए हम कैसे करेंगे इसको. ये sec को ऐसे रखेंगे, sec square 37 डिग्री माइनस cot square 53 को हम लिख सकते हैं cot square 90 माइनस 37 डिग्री. देखिए बात एक ही आएगा, 90 माइनस 37 53 आने वाला है. और ये tan 21 और tan 69 में से आप किसी एक को चेंज करेंगे. सपोज मैं tan 21 को चेंज कर रहा हूँ, तो tan 21 कैन बी रिटन एज tan ऑफ 90 माइनस 69 इंटू tan 69 डिग्री माइनस जो नीचे वाला दो टर्म था, वहाँ नेक्स्ट टर्म जो था वो था sin 51 और cos 39. तो मैं पहले cos को चेंज कर ले रहा हूँ, ये बन गया sin 51 डिग्री इंटू कॉस 39 कैन रिटर्न एज कॉस ऑफ 90 माइनस 51. देखिए कॉस 90 माइनस 51 करूँगा 39 मिल रहा है, माइनस कॉस 51 डिग्री और साइन को चेंज कर ले रहा हूँ मैं इसको, ये हो गया साइन ऑफ 90 माइनस 51 डिग्री. सो दिस कैन रिटर्न एज, देखिए ये बन गया सेक्स स्क्वायर 37 डिग्री माइनस नाउ कॉट स्क्वायर कॉट 90 माइनस थीटा इज 10 थीटा, दिस बिकम्स 10 स्क्वायर 37 डिग्री इंटू अगेन 10 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, दिस विल बी रिटर्न एज कॉस 69 डिग्री इंटू 10 69 डिग्री माइनस साइन 51 डिग्री इंटू नाउ कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो दिस कैन रिटर्न एज साइन 51 डिग्री माइनस कॉस 51 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस 57 कैन बी रिटर्न एज कॉस ऑफ 51 डिग्री. देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आपको ये मिल गया. अगेन सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. और एक चीज़ ध्यान रखिए कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे रेसिप्रोकल हैं, तो कॉट और टेन कट के 1 मिलता है आपको. दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये तीनों फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं. देखिए पहला तो बन गया आपका सेक्स स्क्वायर 37 माइनस टेन स्क्वायर 37 आपको मिल गया 1, तो ये आपको मिल चुका है 1 इंटू 10 और कट कट गया तो क्या मिला इंटू 1 माइनस. अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले जाए, तो माइनस अगर कॉमन लेकर लिख रहा हूँ तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ साइन 51 इंटू साइन 51 मीन्स साइन स्क्वायर 51 माइनस सॉरी प्लस बिकॉज माइनस में कॉमन ले चुका हूँ प्लस कॉस 51 कॉस 51 इज कॉस स्क्वायर 51 तो दिस इम्प्लाइज 1 इंटू 1 इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 सो 1 माइनस 1 कैंसिल आउट दिस इम्प्लाइज आंसर हमारा हो गया 0 सो प्लीज नोट पॉजिटिव नोट डाउन. ठीक है अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्यूट एंगल सेटिस्फाई द इक्वेशन सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 और ये आपका CBSE 2014 में आ चुका है. CBSE क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से देखिएगा. तो सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आप इस सेक्स स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा में. देखिए आपको रिलेशन पता होगा कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और दिस इंप्लाइज सेक्स स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो इस सेक्स स्क्वायर जगह पर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3. ठीक है और दिस इंप्लाइज टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बिकम्स 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस 1 आरएचएस में क्या बन गया माइनस 1 और आपको मिल गया 2 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 और 2 जाके डिवाइड हो गया आपको मिल गया टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. अब टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिस इंप्लाइज टेन थीटा का वैल्यू आपको मिल गया 1 रूट ओवर 1. अब टेन का कौन सा वैल्यू 1 है 45 तो टेन थीटा इक्वल्स टू मिल सकता हूँ 10 45 10 10 कैंसिल आउट आपको थीटा का वैल्यू मिल गया 45 डिग्री. ठीक है पॉजिटिव नोट डाउन. ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा. देखिए ये क्वेश्चन CBSE 2013-14 लगातार आया तो इसलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर्स आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है देखिए इसे करने का तरीका आपको मिल चुका है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो आपको ये क्या मिल गया a माइनस बी का होल स्क्वायर
और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर आपको मिल गया 1/4। देखिए ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप जानते हैं 1, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 - 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/4। मुझको 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं आरएचएस में ट्रांसफर करता हूँ और आरएचएस वाला को एलएचएस में ट्रांसफर करता हूँ, तो ये बन गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 - 1/4 और 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू, इसका एलसीएम बन गया 4 - 1 और दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 3/4। देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, इधर जाके डिवाइड हो गया, मतलब बाय इंटू 2 हो गया, ये तो ये बन गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 3/8 इक्वल्स टू 3/8। ठीक है, अब हमको निकालना क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 1/sin θ। तो पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा स्क्वायर यहाँ पे भी कर दे रहा हूँ मैं, तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 1 + 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमको मिल चुका था पहले से 3/8, तो इसका वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये बन गया 3/8। नाउ 2 1 2 4, तो आपको मिल गया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 1 + 3/4, और इसका एलसीएम ले जाए अगर हम, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू